प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लेकर आए हैं जुलाई 2022 में तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों की स्थिति, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से अच्छे हैं और क्या क्या ग्रह आपको इस महीने दे सकते हैं, क्या आपके छीन सकते हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परीक्षा, विदेश यात्रा, लाभ, भाग्य और प्रेम संबंध कैसा रहेगा इस महीने में, आइए हम आपको बताते हैं। इस महीने की 1, 3, 12, 19, 21, 28 और 31 जुलाई आपके लिए शुभ है। इन तारीखों को कोई भी विशेष शुभ कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आइए हम आपको बताते हैं इस महीने की राशियों का फल। आपके राशि के मालिक शुक्र इस महीने स्वगृही अष्टम में विराजमान है। स्वगृही 6, 8, 12 में ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन स्वगृही अगर बैठे हैं 6 में गुरु स्वगृही हैं और 8 में शुक्र स्वगृही बैठे हुए हैं, ये आपके दाम्पत्य में सफलता देते हैं। मन प्रसन्न रहता है, पति पत्नी से प्रेम बनता है, प्रेम अगर कहीं चल रहा है तो उसमें प्रगाढ़ता आती है। लग्न पर केतु हैं, ज़्यादा सोच विचार न करें, जल्दीबाजी में काम न करें, लेन देन के मामले में सावधानी बरतें और क्रोध से आपको बचना चाहिए। केतु की पांचवी दृष्टि संतान हो, संतान पत्नी को लेकर आप कभी चिंतित रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इससे आपको बचना चाहिए। इस महीने शनि स्वगृही चतुर्थ में है, आपको वृद्धि, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, आपके प्रॉपर्टी, फ्लैट, भूमि, मकान, वाहन की वृद्धि करेंगे। माता पिता का सुख देंगे, पिता के थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा हो सकती है, पत्नी को भी थोड़ी शारीरिक पीड़ा होगी, सर दर्द या पैरों में दर्द की संभावना बन सकती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। भाग्य इस महीने आपका बराबर साथ देगा, आपको छोटी या लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त योग बना हुआ है, क्योंकि द्वादशेश और लाभेश दोनों भाग्य स्थान में हैं। द्वादश स्थान और नवम स्थान विदेश का सूचक माना गया है और अष्टम स्थान से वहाँ रुकने का भी योग बन जाता है, इसलिए बहुत अच्छा योग है, आप वहाँ रुक सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और बृहस्पति की दृष्टि आपके उच्च दृष्टि आपके प्रत प्रतिष्ठा पर है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी। अगर कोई बिजनेस इत्यादि कर रहे हैं तो सफलता मिलेगा, नौकरी में उन्नति होगी, लाभ होगा। और कोई नया बिजनेस या फैक्ट्री इत्यादि बनाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी, कोई दुकान और खोलना है तो आपके लिए अच्छा है, इस समय आप खोल सकते हैं, शुभ रहेगा और को लाभ भी होगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि खर्च पर घर में शुभ कार्य होने की संभावनाएं बन रही हैं, कोई लग्जरी सुविधाएं आप ले सकते हैं जिसमें विशेष खर्च की संभावनाएं बने। नवीं दृष्टि धन पर है, आपके बैंक बैलेंस बन सकते हैं और ऋण बाधा अगर है तो आपकी ठीक हो सकती है, कम हो सकता है या दूर हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। ज़्यादातर आपके ग्रह इस महीने 5 ग्रह स्वगृही बैठे हुए हैं, जो कि चतुर्थे स्वगृही होने से लग्जरी सुविधाएं की वृद्धि होती है, प्रॉपर्टी में सफलता मिलती है। कहीं मकान इत्यादि जमीन लिए हैं तो अगर बेचना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है, इसमें कर सकते हैं। भाग्य स्वगृही हैं आपके लाभेश के साथ, भाग्य आपका बराबर साथ देता रहेगा, घर की उन्नति होगी, मन प्रसन्न रहेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपकी आस्था बढ़ सकती है, कहीं तीर्थ यात्रा के भी योग बन सकते हैं। अष्टमेश स्वगृही हैं, आयु की वृद्धि, मन प्रसन्न और गुप्त चिंताओं का निवारण, ये सब चीज़ें आपके हो सकती हैं। मंगल सप्तमेश स्वगृही है, पत्नी के ऊपर जो चिंता है उसका समाधान निकलेगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होकर ठीक हो जाएगा। और खष्टेश बृहस्पति स्वगृही होने से शत्रु पर विजय मिलेगी, आपके घर में ही आपके शत्रु रहेंगे लेकिन हार मान लेंगे और उन्नति होगी और हर प्रकार से शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट इत्यादि की दिक्कत ठीक होगी, नाक गला भी ठीक रहेगा, यानी कुल मिलाकर आपके लिए महीना बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी, हर प्रकार से उन्नति होगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस महीने में क्या ऐसा उपाय करें जो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, इस महीने में कोई दिक्कत आ रही है तो भगवती लक्ष्मी का संपुटित श्री सूक्त का पाठ करें और सफ़ेद चीज़ का शुक्रवार के दिन दान करें, सफ़ेद वस्त्र आप पहने, मोती या हीरा भी आप पहन सकते हैं और गाय की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, कोई वृक्ष लगाएं तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर से निकलते समय सफ़ेद चंदन लगाकर अगर आप निकलते हैं
या सफ़ेद रुमाल अपने पास रखते हैं, परफ्यूम प्रतिदिन लगाएं और भगवान को भी लगाएं या परफ्यूम का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया तो कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।